दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन लव राशि फल दिसंबर 2022। दिसंबर का महीना मीन राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दिसंबर में आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, ग्रह स्थितियाँ क्या कुछ बदलने वाली हैं आपके लिए, साल 2022 का लास्ट महीना कैसा रहेगा, ये वीडियो पूरी होने के बाद में, यानी कि पूरा 2022 की लव लाइफ कवर हो गई है, पूरे महीने का मासिक लव राशि फल भी मिल गया है। अब उसके बाद में हम शुरू करेंगे एक दो दिन बाद 2023 का लव राशि फल। इसलिए ये महीना आपके लिए कैसा है ये जानना बहुत जरूरी है। 2023 में जो होगा वो आपके लिए अद्भुत है, क्योंकि उसकी रीडिंग चल रही है और बहुत विशेष निकल के आ रही है। लेकिन इस 2022 का जो लास्ट महीना आपके लिए कहता है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी वर्तमान की हालात, वर्तमान की स्थिति को दर्शा रही है। जो भी वर्तमान में चल रहा है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए खराब चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में उलझनें चल रही हैं। आइए आपको बताते हैं क्या खराब चल रहा है और क्या सुधर सकता है, क्या आपके लिए बदल सकता है। और ग्रह स्थितियाँ, छह परिवर्तन होने वाले हैं ग्रह स्थितियों में, तीन ग्रहों के परिवर्तन 6 बार, यानी कि बुध का परिवर्तन 3 बार, 2 बार शुक्र का परिवर्तन दिसंबर में, 1 बार सूर्य का परिवर्तन, ऐसे 6 मुख्य परिवर्तन हैं। और बाकी नक्षत्र परिवर्तन, चरण नक्षत्र, चरण परिवर्तन बहुत सारे हैं। हम यहाँ पर आपको सीधा विश्लेषण बताते हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम ये तो बता चुके हैं कि कौन कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, और अलग से ग्रह परिवर्तन के वीडियो आपको मिलते ही हैं दूसरे चैनल पर। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं मीन राशि वालों, तो आपके लिए पहली स्थिति, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं वो तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हैं। आपके द्वितीय मंगल भी तृतीय भाव में आपकी दोस्ती भी नहीं होने दे रहे, और दोस्ती में भी संशय भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी जबान से जो निकलता है वो समझ में ही नहीं आता दूसरे व्यक्ति को। आप बोलते हैं प्यार से, उन्हें लगता है घमंड है। आप बोलते हैं अपनेपन से, उन्हें लगता है घमंड है। ईगो है आपके अंदर एटीट्यूड है, उन्हें लगता है आपके अंदर नहीं है उनके लिए। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपके राहु वैसे भी आपके द्वितीय भाव में आपकी वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, और वाणी से आप जो बोलते हैं उन्हें वो मायावी लगता है, झूठ लगता है, भरोसा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लगता है, घमंड लगता है। उसके साथ साथ मंगल तृतीय भाव में बैठ करके इस चीज़ को भी दर्शा देते हैं कि आपके साथ में उनकी दोस्ती संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सिंगल हैं या कोई दोस्त बनाना चाहते हैं किसी को, उनके लिए स्थितियाँ बिल्कुल सही नहीं हैं। और अगर करना भी चाहेंगे ज़बरदस्ती तो बहुत बेकार और बहुत बुरी कंडीशन में पहुँच जाएंगे। अगर एक तरफा किसी को प्यार करते हैं, उन लोगों की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अगर इमोशनल हैं किसी के लिए, एक तरफा प्यार करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत इसलिए होने वाली क्योंकि धनु में जैसे शुक्र और सूर्य विशेष रूप से जो परिवर्तन होंगे उनसे, यानी कि ज़्यादातर देखा जाए तो 16 से 24 दिसंबर सबसे ज़्यादा बुरे रहेंगे। वैसे तो पूरा ही महीना है, क्योंकि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, और आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में खुद में ही बहुत ज़्यादा आप मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए जाएँ, परेशान हो जाएँ। इसलिए आपको पीछे नहीं जाना है ऐसे व्यक्ति के, इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर देंगे यहाँ पर। लेकिन इस महीने के लास्ट में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लास्ट में यानी कि 28 दिसंबर के बाद में आपको वही व्यक्ति जो इग्नोर कर रहा था, जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, उससे आपको फिर बहुत ज़्यादा प्यार देगा। वो व्यक्ति आपको समझ ही नहीं आएगा क्यों, और आश्चर्यजनक आपकी लव लाइफ में पूरे दिन बदल जाएंगे। जो व्यक्ति आपसे हर चीज़ के लिए मना कर रहा था वो आप कहेगा कि हाँ मैं आपके लिए ही बना हूँ, शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अटैचमेंट बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति नाराज है आपसे, नो कॉन्टैक्ट में, वो भी 28 दिसंबर के बाद आपसे वापसी कर रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर महीने के लास्ट में आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले बहुत गम, बहुत दुख, बहुत तकलीफ हो जाएगी।
उन दिनों को देख करके अच्छे दिन भी देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में जो गलत फहमियाँ आपकी बनी हैं वो गलत फहमियाँ दूर होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी, लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली के साथ में जो आपकी गलत फहमियाँ बनी हैं वो दूर नहीं होने वाली। इसलिए पार्टनर तो सपोर्ट करेगा, पार्टनर से प्यार मिलेगा, लेकिन फैमिली आपको शक की निगाहों से देखेगी, फैमिली आपको आपके पीठ पीछे बुराई करेगी, आपके पार्टनर की फैमिली आपकी दुश्मन बन जाएगी, लेकिन पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, इसी वजह से आपका हर दिन बनता चला जाएगा, हर दिन आपका संभलता चला जाएगा और ठीक ठाक पूरा महीना निकल जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें, बहुत लोग मैरिड हैं तो कुछ घूमने इत्यादि का प्लान बना रहे होंगे, दिसंबर में घूमने का प्लान बनाने की बहुत सोचेंगे, मत जाना, कहीं घूमने गए तो बहुत बातें बनेंगी और वो बातें आपको हजम नहीं होंगी, सहन नहीं होंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसे और परेशान मत कीजिए, क्योंकि उससे आपके पार्टनर पर भी प्रभाव पड़ता है, वो तो आपके प्यार की वजह से बहुत सारी चीज़ें सहन कर रहे हैं लेकिन उन्हें हकीकत में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो आपको कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं आपको विचार करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा अफेयर की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा अफेयर में बहुत ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी रहेंगी और इस महीने खास करके 14 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, बहुत इमोशनल रहेंगे, आपके लिए बहुत खर्चे करेंगे, हालांकि खर्चे करेंगे तो खर्चे जताएंगे भी, ये भी दिखाएंगे कि इतना खर्च किया है, इतना समय दिया है, इतना ये दिया है, तो गिनाएंगे भी लेकिन करते जाएंगे। एक्स्ट्रा फेयर में जब महीने लास्ट पहुँचेगा, महीने लास्ट दिन 24 के बाद 26 के बाद में, उसमें और ज़्यादा रोमांच बढ़ जाएगा और खुशी होगी और एक दूसरे के साथ समय उसके बाद में मुलाकात करने का या मिलने का, एक साथ काम करने का बहुत मौका मिलेगा, जिससे आपका महीना अच्छा जाएगा। दोस्तों यह था आपका लव राशि फल। अब जानते हैं तीन राशियों के नाम, अगर इन तीन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाता है। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है तुला राशि और तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना काफ़ी लकी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।